Another example with respect to if and else blocks or conditional statement. Again, in this case, check what is the corresponding flowchart diagram or execution diagram for given logics. इस सिचुएशन अगेन सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है टू द स्टेटमेंट एस जीरो. स्टेटमेंट एस जीरो के जस्ट बाद कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन के केस में अगेन टू पॉसिबल केस होंगे, या तो कंडीशन ट्रू हो सकता है या फिर कंडीशन फॉल्स होगा. आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स. सबसे पहले ट्रू सेशन इंप्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट वन फॉल्स सेशन. ट्रू सेशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ट्रू है देन इस केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा, बॉडी ऑफ इफ. बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू. बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स. इफ और एल्स दोनों केस में बॉडी पार्ट सेपरेट किस हो रहा, कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट. ट्रू होने के केसेस में चांस किसको मिलेगा, एस वन एस टू मीन्स एस वन नेक्स्ट वन स्टेटमेंट एस टू नेक्स्ट. इसके जस्ट बाद इफ बॉडी अगर एग्जीक्यूट होता है एल्स ब्लॉक कंप्लीटली स्किप होगा. इस केस में कंट्रोल डायरेक्टली सेंड करेंगे ऑन द स्टेटमेंट फाइव. इसके जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा टू द स्टेटमेंट फाइव लाइक दैट. मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है देन उस केस में एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हुआ, एस जीरो एस वन एस टू और एस फाइव. दूसरा पॉसिबल केस क्या है, इफ कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे, डायरेक्टली इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स. एल्स के अकॉर्डिंग चांस किसको मिले, एस थ्री और एस फोर. मीन्स एट ए टाइम या तो एस वन एस टू एग्जीक्यूट होंगे या फिर एस थ्री और एस फोर. एस थ्री और एस फोर को लॉजिकली कंसिडर करेंगे अल्टरनेटिव कोड ऑफ द इफ और बॉडी ऑफ इफ. अगर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उस केस में बॉडी किसके बेस पर होगा, एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन फॉल्स है देन अल्टरनेटिव कोड एग्जीक्यूट होगा इस केस में एज एस थ्री और एस फोर. और एस फोर के बाद भी अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा टू द स्टेटमेंट फाइव लाइक दैट. दिस इज द फ्लोचार्ट डायग्राम फॉर गिवन एप्लीकेशन और गिवन लॉजिक्स. अगेन चेक करेंगे कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू इफ कंडीशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इफ कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है देन सबसे पहले मीन्स इनिशियली दोनों केसेस में कॉमन एग्जीक्यूशन किसका हुआ, एस जीरो. एस जीरो ना ही इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट, इसलिए एस जीरो दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूट हो रहा है. नेक्स्ट वन अगर कंडीशन ट्रू है देन एस जीरो के जस्ट बाद एस वन एस टू एस फाइव. एस वन एस टू देन एस फाइव. इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है देन एस जीरो के जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, एस थ्री देन एस फोर देन एस फाइव. इज द एग्जीक्यूशन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू गिवन लॉजिक.